दोस्तों, इतिहास में पहली बार 13 साल का बच्चा बना आईपीएल ऑप्शन में करोड़पति। राजस्थान ने 1,10,00,000 रुपए देकर आईपीएल 2025 के लिए किया। अपने खेमे में शामिल तो जो पड़े वैभव सूर्यवंशी और अब संजू सैमसन और राजस्थान को धन्यवाद देते हुए इस 13 साल के वैभव ने एक ऐसा दिलों को छू लेने वाला बयान दिया है, सुनकर तो सच में आप भी इस नन्हे से खिलाड़ी के फैन हो जाएंगे। तो आखिर ऐसी क्या है उसमें क्वालिटी की उन्हें करोड़ों रुपए दिए गए, ऐसा क्या कुछ कहा वैभव ने अब संजू को धन्यवाद करते और अपना हीरो बताते हुए दिखाएंगे सब कुछ। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू धोनी और रोहित में कौन आईपीएल का सबसे महान कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल के मंच पर किस्मत बदलते हुए तो आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन अब आईपीएल 2025 में एक 13 साल के बच्चे की किस्मत को ऐसा बदला है कि रातों रात वह खिलाड़ी करोड़पति बन चुका है। जी हाँ, बता दे, आईपीएल 2025 से पहले सऊदी अरब की जिद्दा में हो रहे मेगा ऑक्शन में बिहार के 13 साल के लड़की की किस्मत चमक। ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले सबसे युवा प्लेयर वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने 1,10,00,000 में खरीदा। उनका बेस प्राइस 30,00,000 रुपए था। इसके साथ ही वह आईपीएल इतिहास के भी सबसे युवा प्लेयर बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल राजस्थान ही वह टीम नहीं थी जो इस 13 साल के लड़के को अपने साथ शामिल करना चाहती थी। बता दे, वैभव सूर्यवंशी का बेस प्राइस 30,00,000 रुपए था। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने उन पर बोली लगाई, इसके तुरंत बाद ही राजस्थान रॉयल्स भी मैदान में उतर आई। दोनों ही फ्रेंचाइजी ने वैभव पर बोली लगाई। थोड़ी ही देर में वैभव करोड़पति बन गए। अंत में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1,10,00,000 रुपए में खरीदा। अब इस खिलाड़ी में ऐसा क्या है कि उन्हें इतना महंगा खरीदा गया जहां बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं बिक पाए? चलिए आपको बताते हैं। तो वैभव बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। वह रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा वैभव हेमंत ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी और बीनो मांकर ट्रॉफी खेल चुके हैं। वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 5 प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेले हैं। इस दौरान 10 पारियों में उन्होंने 10 की औसत और 64 की स्ट्राइक रेट से 100 रन बनाए हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका सर्वाधिक स्कोर 41 रन है। हाल ही में भारतीय अंडर 19 टीम के बल्लेबाज वैभव ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 64 गेंदों पर 104 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 14 चौके और 4 छक्के भी जड़े थे। सूर्यवंशी पहली बार इस साल की शुरुआत में चर्चा में आए थे। उन्होंने 12 साल की उम्र में बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया। वह भारत के प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में से बने थे। वैभव के पिता का नाम संजीव सूर्यवंशी है। संजीव भी चाहते थे कि उनका बेटा एक बड़ा क्रिकेटर बने। अब वैभव ने आईपीएल में जगह बनाकर पिता के सपने को साकार किया है। और जैसे ही उन्हें राजस्थान ने खरीदा, ये खिलाड़ी उनका परिवार तो फूट फूट कर रो पड़ा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और अब वैभव ने राजस्थान और संजू का धन्यवाद करते हुए दिलों को छू लेने वाला बयान भी जारी किया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि आज मेरे और मेरे परिवार के लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन है। हम सबकी आंखों में आंसू है क्योंकि इस दिन का हमने काफी लंबा इंतजार किया था। जब मैं 8 साल का था तब से मैंने क्रिकेट में काफी ज्यादा मेहनत की है। इंडिया के लिए अंडर 19 क्रिकेट खेला है और आईपीएल खेलना हमेशा से मेरा सपना रहा है। संजू सैमसन हमेशा से मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक रहे हैं और अब मुझे उनके साथ मिलकर आईपीएल में अपनी स्किल्स को सुधारने, उनके साथ रहने और अपना बेस्ट प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। इससे बढ़िया मेरे लिए और क्या हो सकता है। थैंक यू मैं संजू सर और राजस्थान के मैनेजमेंट को बोलना चाहूंगा जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे इस काबिल समझा कि केवल 13 साल की उम्र में मुझे आईपीएल में मौका दिया। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है और मेरा वादा है आपसे मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तो दोस्तों, देखा आपने, ये खिलाड़ी तो खुद पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन दोस्तों, अब आपको सी टीम आईपीएल 2025 की चैंपियन बन सकती है। राजस्थान, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई या फिर कोई और, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 के लिए महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई की टीम ने चैंपियन बनने के लिए बढ़ाया एक अग्रिम कदम। टीम के अंदर नीलामी में शामिल किए गए कई भूखे शेर, जिसके बाद चेन्नई की टीम बन गई आईपीएल की सबसे मजबूत टीम। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2025 की नीलामी अब समाप्त हो चुकी है, जहाँ पर चेन्नई की टीम ने अपने सभी 25 खिलाड़ियों को अपनी टीम के अंदर शामिल कर लिया है। तो आखिरकार आईपीएल 2025 में चेन्नई की टीम में कौन से नए खिलाड़ियों
की एंट्री हुई है ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई की टीम की प्लेइंग 11 के बारे में भी अब हम आपको बताने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ में से कौन है चेन्नई का सबसे खतरनाक खिलाड़ी, अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो जैसा कि आपको पता है आईपीएल 2025 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां पर आईपीएल 2025 की बड़ी नीलामी समाप्त हो गई है। इस दौरान कई टीमें सबसे महंगे खिलाड़ियों को ले चुकी है, तो वहीं कुछ बड़े खिलाड़ियों को भी कोई भी खरीदार नहीं मिला है। इस बीच 5 बार की चैंपियन रह चुकी चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने नीलामी में सबसे पहले अपने 25 खिलाड़ियों की लिस्ट को पूरा कर लिया, जिसके बाद अब चेन्नई की टीम पूरी तरीके से बदल गई है, जिसकी प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार दिख रही है। दरअसल चेन्नई की टीम के अंदर सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरने वाले हैं, जिनको चेन्नई की टीम ने पहले रिटर्न खिलाड़ियों के तौर पर 18 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया है। ऐसे में अब ऋतुराज गायकवाड़ एक बार फिर से बेहतर बल्लेबाजी करने के साथ शानदार कप्तानी करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा दूसरे खिलाड़ी के तौर पर चेन्नई की टीम के अंदर डेवोन कानवे को शामिल किया गया है, जो पिछले साल में खेलते हुए दिखाई नहीं दिए थे। ऐसे में अब इनको भी वापस टीम के अंदर नीलामी के जरिए जारी कर लिया गया है, जहां पर डेवोन कानवे को 6.25 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में वापस कर लिया गया है। और इसी के साथ चेन्नई की टीम के सलामी जोड़ी पहले की तरह अब मजबूत हो गई है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रचिन रविंद्र को शामिल किया गया है, जिन्होंने अब काफी ज्यादा बेहतर ऑलराउंडर प्रदर्शन करने के साथ चेन्नई को प्रभावित किया था। ऐसे में अब एक बार फिर से इन्हें टीम में मौका दिया गया है, जहां पर रचिन रविंद्र शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर इन्हें 4 करोड़ रुपए में टीम के अंदर वापस शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे को शामिल किया गया है, जो चेन्नई की टीम के लिए 12 करोड़ रुपए में रिटेन हुए थे। ऐसे में अब एक बार फिर से इनके ऊपर शानदार प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी रहने वाली है। इसके अलावा 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विजय शंकर को शामिल कर लिया गया है, जिन्हें चेन्नई की टीम ने 1.20 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में मौका दिया है। ऐसे में अब इनके ऊपर बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी से सभी को प्रभावित करने की बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी को विकेट कीपर के तौर पर शामिल कर लिया गया है, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था। ऐसे में चेन्नई के लिए महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार है। अब 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा को शामिल कर लिया गया है, जो टीम के लिए 18 करोड़ रुपए में रिटेन हुए हैं। ऐसे में इनसे चेन्नई को एक बार फिर से जबरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद है। इतना ही नहीं, अब इनका साथ देने के लिए रविचंद्र अश्विन को टीम के अंदर मौका दे दिया गया है। रविचंद्र अश्विन को 9.75 करोड़ रुपए देकर चेन्नई की टीम ने वापस अपने घर पर बुलाया है। ऐसे में अश्विन के ऊपर एक बार फिर से अपनी टीम के लिए सही गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी रहने वाली है। इसके अलावा चेन्नई की टीम के अंदर 8 नंबर पर नूर अहमद को खेलने का मौका दिया गया है, जिनको चेन्नई की टीम ने 10 करोड़ रुपए देकर टीम में शामिल किया था। ऐसे में अब इनके ऊपर अपनी प्राइस को डिफाइन करने का मौका है, जिसके चलते चेन्नई की टीम और भी ज्यादा मजबूती दर्ज कर सकती है। इसके अलावा गेंदबाजी के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी के पसंदीदा मतीसा पतिरानो को मौका दिया गया है। इस बीच गेंदबाजों को लेकर चेन्नई की टीम ने तीसरे रिटर्न खिलाड़ी के तौर पर 13 करोड़ रुपए देकर रिटेन कर लिया था। ऐसे में एक बार फिर से इस खिलाड़ी के ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी रहने वाली है, जो टीम के लिए मुख्य भूमिका निभाते हुए अब दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा तेज गेंदबाज के तौर पर खलील अहमद को चेन्नई की टीम ने अगले तेज गेंदबाज के तौर पर शामिल कर लिया है, जो टीम के लिए 4.80 करोड़ रुपए में आए थे। ऐसे में अब इनसे भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा अंतिम गेंदबाज के तौर पर नेथन एलाइस को शामिल किया गया है, जिन्हें 2 करोड़ रुपए में चेन्नई ने खेलने का मौका दिया है। ऐसे में इनके ऊपर डेथ में बेहतर गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा अब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी को शामिल कर लिया गया है, जो 3.40 करोड़ रुपए में चेन्नई की टीम में शामिल हुए हैं। ऐसे में अब इस दिग्गज खिलाड़ियों के साथ चेन्नई की टीम इस बार के सीजन में फिर से चैंपियन बनने का काम करेगी। तो दोस्तों, नीलामी के बाद अब चेन्नई की टीम को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आईपीएल 2025 के 2 दिन की नीलामी हुई, समाप्त धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने शामिल किए, बड़े नाम बनाई सबसे अच्छी टीम। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम से नहीं है ज्यादा खास, पर आरसीबी की टीम में भी हो गया बड़ा फेरबदल। गुजरात टाइटंस भी दिखती है बड़ी खतरनाक। तो इन सभी टीमों की फाइनल स्क्वाड आईपीएल 2025 की नीलामी के बाद दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में तो अपनी पसंदीदा टीम का एक एक खिलाड़ी विस्तार से जरूर देखिएगा, साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन सी टीम इस बार सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि आईपीएल 2025 का खिताब कौन सी टीम अपने नाम करेगी, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर कोई और? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों,
जैसा कि आपको पता है आईपीएल 2025 के मेगा एक्शन के दो दिन की नीलामी समाप्त हो गई है और जैसा कि सब तो उम्मीद थी इस बार भी खिलाड़ियों पर खूब धन वर्षा हुई। सबसे महंगे खिलाड़ी तो ऋषभ पंत बने जिन्हें 27 करोड़ रुपए में लखनऊ में अपना बना लिया, तो 26 करोड़ 75 लाख रुपए में श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने जो पंजाब के कप्तान बनने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी किस्मत चमक गई है और अब आईपीएल की इस नीलामी के बाद तो चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब की टीमें सबसे मजबूत नजर आ रही हैं, तो मुंबई और अपनी पसंदीदा बेंगलुरु का भी स्क्वाड देखे बिना तो कहीं भी मत जाइएगा। तो अब जो टीम सबसे